शिमला के संजौली मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थम रहा बवाल, आज भारी संख्या में सड़कों पर निकले लोग, प्रदर्शन में महिलाएं शामिल। शिमला में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध, हिंदू संगठनों के बंद की अपील का दिखा सर, सुबह 9 से 11 बजे तक बंद दुकानें रहीं। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर व्यापारियों का विरोध, सुनने शहर में बंद का दिखा व्यापक असर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिमाचल मस्जिद विवाद पर कहा वहां की हिंदू एकजुटता बड़ी मिसाल, पूरे देश में लागू हो शिमला मॉडल। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई 11 घंटे की ढील, बड़ी संख्या में बाजारों में जरूरी सामान खरीद के नजर आए लोग, विरोध प्रदर्शन धरना और रैली पर जारी है रूप। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार हादसे में एचडीएफसी बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत, गुरुग्राम के सेक्टर 31 में थी दोनों की पोस्टिंग। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बही, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश के चलते हल्द्वानी में गौला पुल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिरा, एहतियातन पुल से गाड़ियों की आवाजाही बंद, खतरे की जद में सितारगंज टनकपुर और पीलीभीत को जोड़ने वाला पूरा गौला पुल। मध्य प्रदेश के मुरैना में पानी में डूबे दो लोगों की तलाश जारी, एसडीआरएफ पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन, ट्रैक्टर से पुल का पार करते समय हादसा। पिछले 3 दिनों से पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश, उत्तराखंड के रानीखेत में बारिश की वजह से उफान पर नदी नाले, पानी की तेज धार देखकर लोग सहमे। हरिद्वार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। भारी बारिश और पहाड़ों से लगातार गिर रहे मलबे के कारण नेशनल हाईवे 9 बंद, लोगों को आवाजाही में परेशानी, जेसीबी के जरिए मलबा हटाने का काम जारी। चंडीगढ़ से मनाली जाने वाले हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबे की चपेट में आई थार जीप, सड़क की दोनों तरफ लगा लंबा जाम। उत्तराखंड के बड़कोट में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से सड़क बंद, लोगों को भारी परेशानी। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात, नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से डूबे 35 गांव के चारों तरफ भरा पानी, ग्रामीणों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि, कई घाटों पर चढ़ा पानी, प्रशासन अलर्ट। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है, निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी, बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क, ग्रामीणों की चिंताएं बढ़ी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बनबसा बैराज से छोड़े जा रहे पानी से सड़कों पर जलभराव, पुलिस से जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। ऋषिकेश में खतरनाक लेवल पर बह रही गंगा, तटीय इलाकों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा, श्रद्धालु कम से कम गंगा स्नान करने की सलाह। यूपी के सीतापुर में नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की तेज लपटों को देखकर मचा हड़कंप, शहर के बीचों बीच आग से लोगों में दहशत, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, बीजेपी की नाकामी की वजह से जम्मू में पनपा आतंकवाद, 2014 तक जम्मू डिवीजन में नहीं होती थी आतंकवादी घटनाएं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में धरती से प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद, थीम पार्क में पीएम मोदी की जन आशीर्वाद रैली, 23 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने का लक्ष्य। तिहाड़ जेल से जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद कुछ ही देर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे कनॉट प्लेस, हनुमान मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। अरविंद केजरीवाल के स्वागत में जमकर आतिशबाजी, बीजेपी ने दिल्ली से पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से पूछे सवाल, बैन के बाद भी क्यों फोड़े गए पटाखे। हिंदी दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर देश को दिया संदेश, देशवासियों को दी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के मौके पर बोले गृहमंत्री अमित शाह का, सभी भाषाओं को जोड़ने का काम करती है हिंदी, पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति में हिंदी को दिया नया जीवन। सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि, सोनिया गांधी शरद पवार सहित कई बड़े नेताओं ने किया नमन। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मुंबई दौरा, लालबाग के राजा का करेंगे दर्शन पूजन, चिंचपोकली जाएंगे नड्डा, बांद्रा पश्चिम में भी गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के बाद जेपी नड्डा महाराष्ट्र में चुनाव की तैयारियों का लेंगे फीडबैक, सूत्रों के हवाले से खबर, देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर कर सकते हैं बैठक। यूपी में बड़े पैमाने पर हुए आईएएस अधिकारियों के तबादले, 29 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, मैनपुर, आजमगढ़, आगरा, जौनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के डीएम बदले गए।
मंगेश यादव के परिजनों से मिले अखिलेश, कहा 2 सितंबर को उठाया, 5 सितंबर को मंगेश का एनकाउंटर दिखाया गया। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का आरोप, एसपी बताए अखिलेश का मंगेश यादव से क्या है रिश्ता, कांग्रेस एसपी बीएसपी की सरकारों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आरजेडी ने नीतीश का हाथ जोड़ने का किया वीडियो जारी, जगदानंद सिंह ने कहा पूरा बिहार जानता है कि राबड़ी लालू से माफी मांगकर नीतीश आते जाते रहे। आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान, नीतीश ने कहा कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, अब कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, नीतीश को केवल कुर्सी से चिपकना है। प्याज बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य सीमा हटी, महाराष्ट्र हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदावार, विधानसभा चुनाव के करीब आने पर फैसला। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, महिलाओं ने कोलकाता की अभया के लिए उठाई न्याय की मांग। पश्चिम बंगाल की सीएम ने अर्जी कर अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से 29 मरीजों की मौत पर जताया दुख, परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने का ऐलान। बीजेपी ने मांगा एक महीने में अर्जी कर अस्पताल में हुई मौत का आंकड़ा, कहा सिर्फ जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, बाकी डॉक्टर काम कर रहे। आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने कहा सीएम हर मीटिंग की करवाती है लाइव टेलीकास्ट, फिर डॉक्टर्स की मांग को कैसे बताया जा सकता है नाजायज। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में मयूरेश्वर के एक कैनाल में मिले 2 महिलाओं के शव, 3 दिनों से लापता चल रही थी महिलाएं, मॉब लिंचिंग का हुई थी शिकार, मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 2 कार में भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, एक कार सवार नशे में था धुत, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में देर रात रमाबाई इलाके में एक इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, हादसे में 13 लोग झुलसे, सभी का इलाज अस्पताल में जारी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम के ऑफिशियल एक सैंडल से कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेता और राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर बवाल, सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किया, डीएम ऑफिस ने आईडी हैक होने का दिया हवाला, साइबर सेल में दर्ज होगा मुकदमा। मथुरा के बरसाने में राधाष्टमी के दिन जमकर उमड़ी भीड़, भीड़ में फंसी महिलाओं को पुलिस ने बचाया, धक्का मुक्की के दौरान जमीन पर गिरी थी महिलाएं, बल प्रयोग कर पुलिस ने महिलाओं को बाहर निकाला। महाराष्ट्र के पुणे में पति ने मोबाइल की जिद नहीं की पूरी, पत्नी ने नाराज होकर फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या की, कई दिनों से नए मोबाइल की कर रही थी मांग। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में लेडी कांस्टेबल और उसके प्रेमी ने सब इंस्पेक्टर को कार से कुचला, हादसे में तस्वीर सीसीटीवी में हुई कैद, 10 सितंबर की बताई जा रही वारदात। उदयपुर में पकड़े गए करीब 37 लाख के नकली नोट, 7 आरोपी गिरफ्तार, नकली नोट बनाने में काम आने वाले उपकरण प्रिंटर कटर भी बरामद।